इस वीडियो के बाद आप जो है रिवर्स ड्राइविंग में प्रो बन जाओगे, क्योंकि होता क्या है हमें से ज़्यादातर लोग जब गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं या सीख चुके भी होते हैं तो सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है भाई गाड़ी को रिवर्स करने में। सीधी सीधी तो ढंग से चला लेते हैं पर रिवर्स में जो है भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, और रिवर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको एट अ पॉइंट करना ही करना पड़ेगा, बिना रिवर्स की गाड़ी आपसे नहीं चल सकती। फॉर एग्जाम्पल अभी ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, अगर मुझे पीछे साइड जाना है तो मुझे इसको यहाँ से टर्न करके और रिवर्स लेके निकालना पड़ेगा, ठीक है। बट उससे भी ईजी प्रोसेस है कि मैं आगे लेके और वहाँ रिवर्स करके और सीधी सीधी गाड़ी ऐसे निकाल लूँ। तो ये दो प्रोसेस है भाई, तो रिवर्स दोनों में ही आपको करना है, बट डिपेंड ये करता है कि आपको कितना करना है कौन सी प्रोसेस में, ना। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है इसमें आप परफेक्ट हो जाओगे अपनी रिवर्स ड्राइविंग में और कोई भी आपको इशू जो है रिवर्स करने में कार को नहीं आएगा। खैर, इशू मुझे भी एक चीज़ में नहीं आना चाहिए और वो ये है कि सब्सक्राइबर्स जो है चैनल के वो कम नहीं होने चाहिए, तो मुझे इशू नहीं आएगा। तो इसीलिए फटाफट से जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दो और मेरे इशू जो है, मेरा जो इशू है ये उसको भी रिजॉल्व कर दो आप सब। तो स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो को। सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा, आपको गाड़ी के अंदर लेकर चलता हूँ और वहाँ से ही स्टार्ट होती है भाई सारी चीज़ें जो हमें बताएगी कि कैसे कुछ जो है कार को रिवर्स करने में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। तो ये आप जैसे ही अपनी गाड़ी में आते हो भाई, सबसे पहली चीज़ कि रिवर्स के लिए आपकी जो मोस्ट एसेंशियल चीज़ रहती है वो रहते हैं भाई आपके गाड़ी के तीनों मिरर्स, है ना। सबसे पहले भाई आउटसाइड रियर व्यू मिरर, उसके बाद में जो इनसाइड रियर व्यू मिरर होता है, और सेकंड आउटसाइड रियर व्यू मिरर। तो ये तीनों चीज़ें भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब अगर आप बोलो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो भाई वो है आपके मिरर्स की एडजस्टमेंट, है ना। तो जैसे मेरे भाई इंटरनली एडजस्टेबल मिरर्स आते हैं इलेक्ट्रिकली इंटरनली, तो इसको आप ऐसे सेट करो कि आपको अपनी गाड़ी का एक थोड़ा सा हिस्सा जो है वो विजिबल रहे। जैसे मुझे यहाँ से ऐसे रहता है ना, ये मेरा पूरा एक ओवरव्यू है, तो यहाँ से इतना जो है आपको हिस्सा विजिबल होना चाहिए, जहाँ पे भी आप बैठे हो वहाँ से आपकी गाड़ी का इतना कुछ जो है हिस्सा होना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि आप जज कर सको कि मेरी गाड़ी कौन से पॉइंट पे है पीछे, है ना। इस वजह से जो है गाड़ी आपकी थोड़ी सी दिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। सेम टू सेम चीज़ वहाँ के साथ भी है भाई, जैसे आप देख सकते हो कि मेरा जो उस साइड का मिरर है उसमें भी काफ़ी हद तक मेरी गाड़ी दिख रही है। अभी जैसे मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा गाड़ी दिख रही है और उस साइड का मेरे में थोड़ा वो हो रहा है ब्लाइंड स्पॉट, तो मैं इसको एडजस्ट अगर करता हूँ तो यहाँ पर वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा अभी कुछ मोटर में इसके शायद से ये ऊपर लेके और फिर नीचे, है ना। तो ये जो है भाई एडजस्ट हो गया। उसके बाद में जो आपका इनसाइड रियर व्यू मिरर है, इसको एडजस्ट ऐसे करना है कि जो आपका रियर वाला कांच है वो पूरा आपका पूरा दिखे, कुछ इस तरीके से। अब ये जो बहुत बड़ी गाड़ियाँ होती है ना, इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता पीछे वाले कांच का। उसके पीछे जो रीज़न है वो ये रहता है भाई कि ऊपर रहता है काफ़ी ज़्यादा और नीचे का नहीं दिखता, तो उसके लिए आप कैमरा इंस्टॉल करवा सकते हो। तो चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ भाई जो मेन चीज़ होती है ना। तो चलो मैं सीधे चलता हूँ और एक कॉम्पैक्ट सी गली में जाएंगे भाई, उसके बाद देखेंगे कि वहाँ से जो है कैसे रिवर्स हमें करना है गाड़ी को। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एसी ऑन कर लेता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं भाई गाड़ी को यहाँ से निकाल लेता हूँ, कुछ इस तरीके से पेड़ में एंटीना टकराता तो है ही। तो कौन सी वाली गली से मुड़े, चलो सबसे पहले भाई इससे ही मुड़ते हैं ना जो आगे में है, जहाँ पे अभी एक बाइक गई है वहाँ से मुड़ेंगे, थोड़ा सा उस एरिया से ट्रैफिक कम हो जाए। तो देखो अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर हूँ और मुझे इस गली में रिवर्स में गाड़ी घुसानी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा भाई कि गाड़ी जो है उससे थोड़ा सा आगे ले लूँगा, इतना आगे कि मतलब वो जो गली की एज है ना, मतलब गली का जो ये वाला किनारा है वो मेरी गाड़ी के एज पे हो। देखो ये देखो, है ना, मतलब मेरी गाड़ी का जो सबसे लास्ट वाला एरिया है वो उस गली के लास्ट वाले एरिया से पीछे हो। अब इसके बाद में देखो, जब आपको भाई ऐसे टाइट स्पेसेस में जहाँ नीचे भी आपको देखना पड़े ना वहाँ पे करना हो, तो आप इसे थोड़ा सा नीचे एडजस्ट कर सकते हो। वो स्टार्टिंग में करना होता है जैसे मैं कर रहा हूँ, है ना, ताकि आपको टायर की भी जजमेंट लगे, ताकि वो नाली वगैरह में ना जाए। और एक टाइम के बाद आने के बाद में जो है आपका वो चीज़ अंदाजे से ही शुरू हो जाएगा, जैसे अभी अपना हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है कि रिवर्स में यहाँ पे लेना है गाड़ी को, और जैसे ही मैच कर जाए दोनों जगह की एज, तो स्टेयरिंग को पूरा पूरा राइट में आपको काट देना है। मतलब अब यहाँ गली लेफ्ट है, आपकी राइट होगी तो आप राइट में काट लो, और दोनों साइड आपको मिरर में देखना है। जैसे अभी मेरी थोड़ा यहाँ पे गाड़ी जो है वो नीचे जाने लग रही है नाली में, तो इसमें आपको करना क्या है भाई कि देख के और हल्का सा आगे ले लेना, है ना। मैंने आगे ले लिया और पीछे एक बाइक भी रुक गई थी, निकल गई। अब देखो रिवर्स में आपका जो जजमेंट मेन रहता है वो भाई साइड का रहता है और पीछे का, है ना। तो पीछे का आप इससे देख सकते हो भाई, कैमरे से भी देख सकते हो, और मोस्टली जो है इससे आप देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा, पीछे कोई भी नहीं है, और यहाँ से भी देख लोगे और ORVM से 90% चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब आपको करना क्या है भाई, सिंपली दोनों साइड देखना है कि इस साइड और इस साइड कुछ है तो नहीं, और पीछे कैमरे में भी आप देख सकते हो बहुत ही ईजिली। तो आप रिवर्स जो है अपनी कार को कर लोगे कुछ इस टाइप से, ना। सिर्फ और सिर्फ भाई ORVM का खेल है, और मुझे ये लगता है
कि जितना टफ आपकी फ्रंट ड्राइविंग है उससे बहुत ज़्यादा इजी रिवर्स रहती है, तो वो चीज़ मेरा जो है मानना है। बाकी भाई हर आदमी का अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है, मेरा तो ये है ना। अब एक बार मैं आपको इस वाली गली में भी फिर से रिवर्स करके दिखाता हूँ, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ सीन है। देखो अभी यहाँ पे मिरर जो है वो आप देख सकते हो कि मेरी गाड़ी उसके एज पर नहीं है ना उधर पे है ना। मुझे सिर्फ जजमेंट के दम पे जैसे ही आरवीएम मेरा अलाइन होगा, जो अपना एज है दोनों गाड़ी की भी और नाली की भी, तैसे ही मैं पूरी स्टेयरिंग काट लूँगा और दोनों साइड के बस आपको ORVM में देखते रहना है। अब जैसे इधर से मैं देख रहा हूँ कि मेरी गाड़ी हल्की हल्की नाली में घुसने लगी, तो सेफ्टी प्रिकॉशन आप ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा इसे आगे ले सकते हो ना। और इधर तो भाई काफ़ी जगह है ही ऑलरेडी, तो यहाँ से मैं और हल्का सा आगे ले लूँगा और उसके बाद भाई अब दोनों जगह जो है नाली बिल्कुल प्रॉपर है, तो मैं आराम से रिवर्स ले सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। और पीछे का आप कैमरे में भी देख सकते हो, ऊपर वाले मिरर में भी। तो ये जो है मैंने एक बार फिर से भाई अपनी गाड़ी अच्छे से रिवर्स में ले लिया है। तो ये कुछ करना है आपको सिंपली, अभी हम मैं यहाँ से जो है अपनी कार को निकाल लेता हूँ और ये हम आ चुके हैं यहाँ पे है ना, कुछ इस तरीके से। अब देखो यहाँ से मैं वहाँ तक जो कि मुझे लग रहा है अराउंड 50 मीटर तो नहीं होगा, बट हाँ 35-40 मीटर के आसपास होगा, वहाँ तक मैं अपनी गाड़ी प्योर प्रॉपर रिवर्स में लेके जाऊँगा। सड़क है जो कि अच्छी खासी चलती है, मैं सिर्फ क्या देखूँगा भाई, दोनों साइड के मिरर्स, तीनों मिरर्स चेक करता रहूँगा अच्छे से है ना। किसी भी मिरर में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं देखूँगा, क्योंकि वरना दूसरे में फिर कुछ अगर आ जाएगा तो वो चीज़ मैं मिस कर जाऊँगा। तो इसलिए भाई तीनों मिरर्स को देखते रहना है आपको बारी बारी और उसके हिसाब से बैक करना है। एक मिरर में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं देखना, तीनों में देखते रहो बारी बारी। और भाई कैमरा लगा है उसमें भी देखो, और बहुत ईजी है भाई रिवर्स में आपकी गाड़ी मुड़ भी ज़्यादा आसानी से जाती है। जैसे स्कूटी वाला है, इसको मैंने स्पॉट कर लिया था तो मैंने कंट्रोल कर ली वो चीज़। और कुछ इस टाइप से आप अपनी गाड़ी पैरेलली पार्क कर सकते हो, जैसे यहाँ एक बाइक भी खड़ी हुई है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए जो पार्किंग में बैठाऊँगा वो आप खुद देख लेना है ना। तो ये मैं आऊँगा पूरा प्रॉपर, और ये जब मुझे लगा कि अब गाड़ी मेरी लड़ जाएगी रिवर्स पार्किंग की मैं बात करूँ, तो मैंने स्टेयरिंग काट लिया है ना। ये देखो अभी लग रहा है भाई कि एकदम छूने वाली है गाड़ी वहाँ पर छुएगी नहीं, क्योंकि भाई जजमेंट अपनी तगड़ी है ना। ये देखो तो ये जो है अपनी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर पार्क हो चुकी है, अगर आप देखते हो तो वहाँ से है ना। और मैंने कुछ भी किसी की मदद नहीं ली, सिर्फ मिरर्स के दम पर आप ये चीज़ कर सकते हो। तो मैंने ओवरऑल एक्सप्लेन कर दिया, एक बार समराइज़ कर देता हूँ जो भी चीज़ें मैंने समझाई उन्हें, तो और ज़्यादा ईजी आपके लिए हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ भाई, मिरर्स अपने आपके हिसाब से एडजस्टेड होने चाहिए। जब नीचे का जजमेंट लेना हो, जहाँ पे नाली हो, नाली से टायर को बचाना हो, तो भाई मिरर्स को थोड़ा सा नीचे कर लो, उससे टायर का लुक आपको सीधे दिख जाएगा, तो आप समझ जाओगे कितना गाड़ी को किधर मोड़ना है, ठीक है। ये मिरर पे ध्यान रखो, कैमरे पे ध्यान रखो, रिवर्स करते हुए तीनों मिरर्स भाई चेक करते रहो फ्रीक्वेंटली। और पार्किंग जब करनी हो तो उसके ऊपर मैं हालांकि अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि और ढंग के तरीके से आपको समझा सकूं। बाकी यही था भाई आज की वीडियो में, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर मान लो कोई क्वेरी आपकी मैं क्लियर ना कर पाया हूँ, कोई जो ऐसी बात हो जो कि आप जानना चाह रहे थे पर इस वीडियो में आप नहीं समझ पाए उस चीज़ को ठीक से, तो कमेंट से बताना, मैं रिप्लाई करके आपको जवाब दूंगा, वरना आगे आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा है ना। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।